हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। ठीक है कि वही तारीफ करने के योग्य है, बड़ाई करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है, उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है मेरे प्रियजनों। ठीक है, ये बात याद रखना, यदि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान न होता तो आज हम सभी लोग कहाँ होते, हम सभी के पाप न क्षमा होते, किस कचड़े में होते, किस दलदल में होते। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का, या की स्तुति करो या की करो, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। उसने हम सभी को आजादी दिया है, छुड़ाया है। पापों में हम लोग जकड़े थे, अंधकार में जकड़े थे, संसारी कामों में जकड़े थे, सच्चाई को नहीं जानते थे। परमेश्वर ने हम सभी को सच्चाई दिखाया है, अपने पीछे उंगली पकड़ के चलाया है। यीशु मसीह ने कहा है, तुमने नहीं चुना है मुझे, परंतु मैंने तुमको चुना है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी को चुना है। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हम सभी को चुना है। परमेश्वर ने हम सभी का नाम लेके बुलाया है, ये याद रखना मेरे प्रियजनों। ठीक है, यदि कोई हमारे जीवन में पाप गलती गुनाह होता है तो मेरे प्रियजनों परमेश्वर से बोलना है। अनजाने में या जानबूझकर गलतियां होती हैं, परमेश्वर से बताना है, यीशु मसीह से बोलना है, किसी मनुष्य से नहीं बोलना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करेगा। वह दूर करने वाला परमेश्वर है, वह दूर करेगा, वह जड़ से खत्म करेगा हमारी बीमारियों को, हमारी समस्याओं को, हमारी गरीबी को, हमारी तंगी को, हमारी परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करेगा। वह दूर करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तुम्हारे अंदर बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम सभी को यीशु मसीह के नाम मांगना है, परमेश्वर को बुलाना है, पवित्र आत्मा को आपके अपने जीवन में बुलाना है। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो हम बदल जाएंगे, हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, हम सब बदल जाएंगे। मेरे प्रियजन, आपको ज्ञान की घटी है, बुद्धि की घटी है, प्रार्थना नहीं करना आता है तो परमेश्वर से बोलना है। बोला है, परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था उसी तरह से हम सभी को प्रार्थना करना सिखाइए। अपनी भेद की बातें हैं, जो गुप्त की बातें हैं मुझे बताइए, जो अपने दृष्टांत में बातें की हैं मुझे अपनी आत्मा के द्वारा मुझे समझाइए। मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है, मुझे अपनी आत्मा दीजिए, मुझे अपनी आत्मा दीजिए। अपने आप को सरेंडर करना है परमेश्वर के सामने, अपने आप को सौंप देना है परमेश्वर के हाथों में। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने कहा है, तू जैसा भी है वैसा ही मुझको, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। यीशु मसीह हम सभी को गले से लगाएगा परमेश्वर, और पोछेगा हम सभी के आंसू। ठीक है मेरे प्रियजनों, मैं जब दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तंगी में हैं, परेशानी में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। अबलबा शबलबा शिखलबा शिवलबा, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, परमेश्वर पिता, इन भाई बहनों के जीवन में पिता आप काम करिए। पिता आप काम करने परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है, ढूंढना है, खटखटाना है। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है वह पाता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह हम सभी के मन की बातों को जानते हैं, हमारी इच्छाओं की बातों को जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है हमारा परमेश्वर जानता है। क्योंकि वह परमेश्वर है, परमेश्वर है, वह कोई मूर्ति में बसना हमारा परमेश्वर नहीं है, वह जिंदा परमेश्वर है, वह जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर जैसा बोलेगा आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा, 100% परमेश्वर ने कहा है। यीशु मसीह ने कहा है,
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मगर ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचनों के हिसाब किताब से अपना जीवन बिताएंगे, उस घर की आज्ञाओं को अपने जीवनों में फॉलो करेंगे, वचनों पर चलेंगे, तभी ये सब होगा मेरे प्रियजनों। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को निमित्त किया, वचन को अपने नाम से बड़ा किया है, वचन को। मेरे प्रियजनों, इस प्राणों को आपको आँख बंद करके सुनना है, लास्ट तक सुनना है, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, क्योंकि जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना जो है ना वो पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। अपने प्रार्थना में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रार्थना है, प्रार्थना के जरिए ही परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत होती है। ठीक है, इसलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। आप महान है पिता, आप दयालु हैं, आप पिता, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, मेरे स्वामी। जो आपने मेरे पिता हम सभी को प्रभु जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं प्रभु, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ जाएंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी। जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक अनंत काल का जीवन दिया है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। पिता आपने हम सभी को माता के गर्भ से चुना पिता, आपने कहा है तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है मेरे पिता। यीशु पापा आपने हम सभी से इतना प्रेम किया मेरे पिता, अपने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती साथ, दुख साथ, दर्द था, यीशु मसीह मेरे पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, रूह पा के रूह हम सभी के जीवनों में आइए, हमें हमारे अंदर आइए पिता मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करने जा रहे पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो मसीह भाई बहन पिता बीमार हैं, कैंसर है, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ हैं पिता, हर एक प्रकार की बीमारियों में जकड़े हैं, लिप्त हैं पिता, ये नहीं चंगे और ये नहीं आजाद नहीं हो पा रहे हैं यीशु मसीह। आज से पिता आपके दास होने के नाते पिता, आपके दास होने के नाते प्रभु इनके जीवनों में आदेश देते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियाँ जाएं यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियाँ जाएं यीशु मसीह के नाम से, आजादी को रिसीव करने पाए बोलकर आमीन, आजादी को रिसीव कर बोलकर आमीन, हर एक तरह तरह की बीमारियाँ जाएं पिता, हर एक बीमारियाँ जाएं पिता, हर एक गंदी आत्माएं जाएं, ये गंदी आत्माओं इनका शरीर तोड़ो मरोड़ो और बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से, अबलाबा शबलाबा शिखलाबा शिवलाबा यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, आजादी को रिसीव करो, आजादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अबलाबा शबलाबा शिखलाबा शिवलाबा शिवलाबा अबलाबा शबलाबा यीशु मसीह के नाम से आजादी को रिसीव करो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके जीवन को नया करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु मसीह कहता है मेरे पुत्र मेरी पुत्रियों मैं आपको गले से लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी क्यों ना हो तो भी मैं उनको धोकर वाइट कर दूंगा, दूध के समान स्वच्छ कर दूंगा, बर्फ के समान वाइट कर दूंगा। मेरे प्रियजनों परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहती है, आपसे कुछ बोलना चाहता है मेरे प्रियजनों। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो मसीह भवन गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने नहीं पिता, 100-200 रुपये पिता, 1000 रुपये पर पिता इन्हें ज्यादा से उधार ले रहे हैं पिता, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरी पवित्र आत्मा सच में यीशु मसीह पिता हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवनों में यीशु मसीह पिता, ये मसीह भाई बहन चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ मेरे पिता, इनके हाथ दिनने बनाइए मेरे पिता, इनके हाथ दिनने होने पाए पिता, इनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को यीशु मसीह आप खत्म करें, दूर करें, दूर करें, दूर करें। हालेलुया,
अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा शबलबा। मेरे पिता मसीह को मेरा आजाद होने पाए, तरह तरह की गरीबी से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के संतान नहीं बच्चे नहीं होते पिता, जिन्हें बच्चे चाहिए पिता उन्हें बच्चे दीजिए पिता, उन्हें बच्चे दीजिए प्रभु। मेरे पिता जिस प्रकार से पिता अपने सारा को 90 वर्ष किया बच्चे दिए थे प्रभु, उसी प्रकार से इन बहनों को भी बच्चे दीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो मसीह में रात में नहीं सो पाते प्रभु, जिन्हें डर लगता भय लगता प्रभु, जब लेटे मेरे स्वामी तब इन्हें सुख की नींद आने पाए प्रभु, कोई गंदा कोई डरावना सपना ना आने पाए पिता, मुझे आस्था विश्वास है प्रभु आपने प्राणों को सुना है। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन।